अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान खलील एंड वेलकम टू सवाल जवाब स्टूडियो। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है चैप्टर नंबर 7 से फेस के बारे में, डिफाइन एंड एक्सप्लेन फेस। तो इसको हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए, ठीक है। एंड फेस की डायरेक्ट हम हेडिंग देंगे, उसके बाद सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए बुक पे आप लोग देखेंगे तो वहां पे उन्होंने दो इक्वेशन लिखी हुई हैं, एक है इक्वेशन नंबर 7.5 एंड 7.7। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट में वो दो इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। पहली जो है इक्वेशन वो है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, क्या है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, और दूसरी है वेलोसिटी के बारे में जो कि है v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एंड नीचे के लिख रहे हैं दोनों इक्वेशंस के कि द अबव टू इक्वेशन शोज दैट डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एग्जीक्यूटिंग SHM आर डिटरमाइंड बाय द एंगल, एंगल क्या है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। इतना लिखना है, उसके बाद फिर हम हेडिंग देंगे डेफिनेशन की और फिर हम फेस की डेफिनेशन लिखेंगे। फेस की डेफिनेशन आप लोग देख रहे हैं हम किस तरह लिखेंगे, इस तरह सेंटर में हम लिखेंगे फेस की डेफिनेशन एंड उसके बाद फिर हम अपना आगे मजीद क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब आप लोग बुक में देखेंगे डेफिनेशन के नीचे ही उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने बताया हुआ है हमें फेज मीन पोजीशन पे क्या होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, यानी कोई बॉडी मीन पोजीशन पे है तो उसका फेज की वैल्यू क्या आएगी और अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो उसकी फेज की वैल्यू क्या आएगी। तो पहले हम फिर हेडिंग देंगे फेज एट मीन पोजीशन, ठीक है। अब इसमें हमने पहले लिखना है द फेज डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है, इतना लिखेंगे। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि अगर कोई बॉडी स्टार्ट करती है अपनी मोशन मीन पोजीशन से तो उसका फेज या तो जीरो होगा या फिर पाई होगा, ये वैल्यू आएगी मीन पोजीशन पे। और अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे बात करें तो या तो उसका फेज पाई बाय टू होगा या 3π/2 होगा, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ फेज, हमने क्या करना है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तीन चीजों में, पहला है स्पेशल केस, दूसरा है जनरल केस और तीसरा है इनिशियल फेज में। इन तीनों में हम बारी बारी जो डिस्प्लेसमेंट है फेज का वो ड्राइव करेंगे। पहले लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट एट स्पेशल केस या फिर डिस्प्लेसमेंट इन स्पेशल केस, शायद इन जो है वो ज्यादा सूट करेगा डिस्प्लेसमेंट इन स्पेशल केस में। अच्छा, इसमें तीन पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट में हमने क्या लिखना है कि सपोज करते हैं जब टी जीरो होता है तो पोजीशन ऑफ रोटेटिंग रेडियस ओपी इज अलोंग OO1, तो क्या होता है जो पॉइंट एन होता है वो मीन पोजीशन पे होता है। और फिर सेकंड पॉइंट में बताएंगे तो फिर अगर वो मीन पोजीशन पे है पॉइंट एन तो हमारे पर डिस्प्लेसमेंट आएगी स्पेशल केस में जीरो। सो एक्स इज इक्वल टू जीरो, या आपने इक्वेशन बना के लिख देनी है एक्स इज इक्वल टू जीरो। एंड इसी तरह फिर हम थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे कि इट रिप्रेजेंट्स आ स्पेशल केस। ये तीन पॉइंट्स हो गए। इसके बाद फिर हम क्या बताएंगे डिस्प्लेसमेंट इन जनरल केस। ओके, स्पेशल केस के अंदर कोई डायग्राम नहीं थी लेकिन जनरल केस के अंदर, और जब हम इनिशियल फेज इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंदर जो है वो डायग्राम है, तो इन दोनों की जो है वो डायग्राम हमें बनानी है। पहला पॉइंट हम, अच्छा इसके अंदर चार पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे कि सपोज करते हैं, ये सिमिलर ही है जो हमारे पास स्पेशल केस था उसके पहले पॉइंट से। सपोज है जब टी जीरो होता है तो रोटेटिंग रेडियस ओ पी कैन मेक एनी एंगल फाई विद रेफरेंस OO1 एज शोन इन फिगर, डायग्राम हमने बना देनी है। आगे इसी डायग्राम की मदद से हम क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या बताता है कि जो रेडियस है विल रोटेट बाय ओमेगा टी। तीसरा पॉइंट क्या बताता है, जो रेडियस ओ पी है वो एक एंगल बनाएगा जिस एंगल को हम कहते हैं ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ये एंगल बनाएगा एट इंस्टेंट टी। फोर्थ पॉइंट जो कि फाइनली डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट है वो बताएंगे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को ओ एन से रिप्रेजेंट किया गया है जो कि एक्स के इक्वल होता है, और इसको हम बताते हैं एक्स की वैल्यू क्या है ओ पी साइन इंटू ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा साइन इंटू ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारे पास आ चुका है जनरल केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट रह जाता है डिस्प्लेसमेंट एट इनिशियल फेज या डिस्प्लेसमेंट इन इनिशियल फेज। अच्छा, इसके अंदर जैसा मैंने पहले कहा जनरल केस की डायग्राम है और सिर्फ इसकी डायग्राम है इनिशियल की, ठीक है। इनिशियल की डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है जो कि सेकंड डायग्राम है फेज वाले टॉपिक के अंदर। इसके तीन पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट में हम बताते हैं जो फेज एंगल है जो कि ओमेगा टी प्लस फाइव है वो किसके इक्वल है थीटा के, थीटा की वैल्यू है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसको हम इक्वेशन बना के लिख देंगे। और दूसरे पॉइंट में बताते हैं कि जब टी जीरो होता है तो थीटा जो है वो फाइव के इक्वल होता है, तो फाइव जो है इनिशियल फेज है, सो फाइव इज द इनिशियल फेज। थर्ड पॉइंट में बताते हैं कि अगर हम इनिशियल फेज को पाई बाय टू या 90 डिग्री ले लें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा एक्स नॉट साइन इंटू ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा इनिशियल फेज में वो आएगा एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। ओके, फिर हमने लास्ट में हेडिंग देनी है कंक्लूजन की। कंक्लूजन का निकला है कि जो अबव इक्वेशन है यानी ये वाली इक्वेशन है गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM, डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है, बट इन दिस केस जो पॉइंट एन है वो स्टार्ट करता है अपनी मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन इंस्टेड ऑफ मीन पोजीशन। अच्छा, तो लास्ट में मैंने देखा कि जो इसका कंक्लूजन की हेडिंग है उसके नीचे मैं लाइंस भी लगाई तो मैंने अभी लगा दी हैं। अक्सर जो है वो याद नहीं रहता लेकिन कोई बात नहीं, सवाल हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगली वीडियो मुलाकात होगी, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।